आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुरादाबाद में आयोजित 5 लोकसभा सीटों के सेक्टर प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कामों को याद दिलाया। राहुल गांधी के चौकीदार चोर के नारे पर उन्होंने जवाब दिया कि चौकीदार प्योर है और उनका अगला प्रधानमंत्री बनना भी श्योर है। सपा बसपा के गठबंधन को उन्होंने भ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। मैं कहना चाहता हूं चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि हमारा चौकीदार प्योर है। और अगली बार उसको पीएम बनना श्योर है। लेकिन यहां गठबंधन हो रहा है। गठबंधन लेकिन बहनों भाइयों, दलों का गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचार का गठबंधन। लखनऊ में कांग्रेस की नई नवेली महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ। उनके रोड शो में जन सैलाब उमड़ा, तो वहीं जगह जगह गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। प्रियंका गांधी के रोड शो में लखनऊ के अलावा सीतापुर, कानपुर, रायबरेली और कई जनपदों के कार्यकर्ता शामिल थे। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि इस भीड़ में चोरों का गैंग भी सक्रिय था, जिसके कारण 50 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए। फतेहपुर जिले के थनेव थाना क्षेत्र स्थित हजवा कस्बे में वक्फ कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी चलाने पहुंची प्रशासन की टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल लोगों ने टीम का विरोध करते हुए जिलाधिकारी से जांच की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज है और अपर जिलाधिकारी ने जाँच के बाद रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन जाँच से पहले ही जेसीबी चलाकर कब्रिस्तान खाली कराया जा रहा है। हापुड़ के थाने धौलाना क्षेत्र में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से हुई 14 लाख की लूट से हड़कंप मचा हुआ है। पेट्रोल पंप कर्मचारी बैंक में 14 लाख रुपए जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आए और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर फायरिंग करते हुए 14 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बस कैश लूट का मामला है। कितना कैश होगा? करीब 14 लाख। आप पेट्रोल पंप पे ही घटना घटित हुई है या नहीं? रास्ते में। कैसे कैसे आप कहीं बैंक में जमा करने जा रहे थे? जी हाँ। क्या हुआ सर? बस बराबर से बाइक पे आए, उन्होंने मिर्च डाली एकदम और कैश लूटने की उन्होंने कोशिश की, तो हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैग। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों बाइक पे सवार थे? हाँ। फायर भी किया उन्होंने, गोली भी चला रहे थे। तकरीबन कितना फायर किया होगा? 2 फायर किए। ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो है, ये सुबह बैंक जा रहे थे, जो है लगभग 2 बजे के आसपास, जो कि धर्मकांटा के पास जो है सफेद पाचे से 3 लोग आए और इनसे जो है आँख में मिर्च होकर के मिर्च छीनने की बात बताए। हम घेरेबंदी कर लिए हैं, 5 टीम लगाए हम, बहुत जल्द इसका खुलासा भी कर देंगे। जो सर कितने की लूट मान? ये मालिक से संपर्क किया जा रहा है, वो जो भी लिख कर देंगे उसी हिसाब से उसको हम आगे थोड़े जाँच में उसको शामिल करते हुए बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। हापुड़ के एसएसवी पीजी कॉलेज में चल रहे एमबीबीएस की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 8 परीक्षार्थियों को फ्लाइंग दस्ते ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े गए परीक्षार्थियों में 5 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी थी। कानपुर के पनकी में वेल्डिंग करते वक्त अचानक ऑक्सीजन का सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे वहां मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को LLR अस्पताल में भर्ती कराया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों की दीवारें भी चटक गईं। क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर राजेश कुमार पांडे का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। बरेली की मीरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कॉलोनी में अधीक्षक नवनीत अग्रवाल के यहाँ दिनदहाड़े चोरों ने सेंध लगा दी। CHT अधीक्षक ने बताया कि पत्नी के साथ बरेली आए हुए थे, घर पहुंचे तो करीब 1 लाख रुपए और गहने गायब थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सुल्तानपुर में STF ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर किसान ढाबे के पीछे छापा मारते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट समेत 1 कार और लाखों की नकदी बरामद की। पुलिस ने 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
बांदा के कमासिन थाने क्षेत्र स्थित लोहरा गांव में चोरों ने एक मकान में सेंध लगाते हुए करीब 12 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के खुलासे का आश्वासन दिया, लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि जानबूझकर चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। शाहजहाँपुर में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का 5 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था और अब उसका शव बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।